हेलो स्टूडेंट्स दिस इज अक्षय चोपड़ा एज वी आर डिस्कसिंग क्लास ट्वेल्थ फाइनल एग्जाम सेट सेकेंड इन दिस सीरीज वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन ए सेक्शन बी एंड सेक्शन सी एंड वी आर डिस्कसिंग सेक्शन डी सो इन दैट सेक्शन डी वी आर लेफ्ट विद क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव बहुत पार्ट्स ठीक है तो आज हम क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन ई यानी कि के स्टडीज डिस्कस करेंगे ओके स्टूडेंट्स नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव पार्ट ए देखो क्वेश्चन क्या है द क्वेश्चन इज इफ ए इज अ मैट्रिक्स एंड बी इनवर्स इज अनदर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री दोनों का ऑर्डर तीन है फाइंड ए बी इनवर्स देखो हमारे पास क्या है वी हैव मैट्रिक्स ए ठीक है ए मैट्रिक्स इज वन माइनस वन ज़ीरो टू थ्री माइनस टू माइनस टू ज़ीरो एंड वन

ए बी इनवर्स देखो एक तो हमारे पास ये है ए बी इनवर्स फाइंड करना है ठीक है देखो हम क्या कर सकते हैं अभी ए मैट्रिक्स है हमारे पास लेकिन बी इनवर्स गिवन है हमें पता है कि बी इनवर्स मतलब कोई मैट्रिक्स है अगर उसका इनवर्स करके फिर से इनवर्स करेंगे तो वो एक्चुअल मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाता है ठीक है ना तो हम क्या कर सकते हैं इस ये जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब बी इनवर्स गिवन है इसका फिर से इनवर्स करेंगे एड ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए करते हैं ना ठीक है तो हमें क्या मिलेगा बी मैट्रिक्स मिल जाएगा फिर उस ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक मैट्रिक्स आएगा फिर उसका इन्वर्स करेंगे ठीक है तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी लेंथी प्रोसेस बन जाएगा दूसरा क्या तुम्हारे पास शॉर्टकट शॉर्टकट किसको बोलते हैं जो तुम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हो ए बी इन्वर्स क्या आता है ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स ठीक है जिसमें बी इन्वर्स ऑलरेडी गिवन है ए मैट्रिक्स हमको गिवन है हम क्या करेंगे इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा दिस इज़ अ बिट ईजी टास्क ठीक है तो हम इसी से करेंगे तो सबसे पहले क्या है आ, ये लो ये आपका सोल्यूशन है ठीक है सबसे पहले बी इनवर्स गिवन है ए इनवर्स सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं दोबारा से लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स क्या है वन टू माइनस टू माइनस वन थ्री ज़ीरो ज़ीरो माइनस टू एंड वन ठीक है अब देखो जरा इन्वर्स फाइंड करना सबसे पहले क्या आता है एडजॉइंट तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करो एडजॉइंट फाइंड करना आता है ना एडजॉइंट फाइंड कैसे करते हैं हमें ये ए वन वन एलिमेंट चाहिए देखो तुम्हें एक शॉर्टकट uh, बता देता हूँ ये देखो ये ए वन वन है ए वन टू है ए वन थ्री है ए टू वन है ए टू टू ए थ्री वन ए थ्री टू एंड ए थ्री थ्री ठीक है ये देखो तुम्हें बच देखो कैसे वन टू ए वन वन निकालना है तो यहाँ पे क्या बनता है माइनस वन पावर ठीक है तुम क्या करते हो ऐसे करते हो माइनस वन टू दावर वन प्लस वन ठीक है फिर यहाँ पे वो क्या होगा माइनस वन टू द पावर वन प्लस टू फिर यहाँ पे माइनस वन पावर वन प्लस थ्री माइनस वन पार टू प्लस वन माइनस वन पार टू प्लस टू माइनस वन पार टू प्लस थ्री ठीक है ना ठीक है ये मैं थोड़ा शुरू से बता रहा हूँ हालांकि इतना बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मैं तुमको बता रहा हूँ सर ठीक है तो थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाए कोई बात नहीं ठीक है तो ये देखो ये क्या है इवन पावर आ गई तो ये प्लस वन बनेगा ये ओड पावर है माइनस वन बनेगा ये इवन पावर है प्लस वन बनेगा माइनस वन प्लस वन माइनस प्लस माइनस प्लस ठीक है तो हम क्या करेंगे बेटा हम क्या करेंगे डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको ये प्लस हो गया ये सेकेंड एलिमेंट माइनस हो गया ये प्लस हो गया फिर माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस ठीक है और फाइनली इस मैट्रिक्स का क्या करना आता है ट्रांसपोज ये होता है हमारे पास एड तो ऐसे करके मैट्रिक्स बन जाएगा अब देख लो कैसे ए वन वन है वन वन का मतलब क्या हो गया लेफ्ट uh, वाला रो बताता है राइट right वाला कॉलम बताता है तो वन वन का मतलब क्या हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो ये और इसका डिटर्मिनेट डिटर्मिनेट आता है ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस तो ये बन जाएगा थ्री ठीक है अब ए वन टू वन टू यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ठीक है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो ये बन जाएगा माइनस वन, वन माइनस ज़ीरो तो ये माइनस वन ठीक है माइनस वन अब ए वन थ्री ठीक है ए वन थ्री का मतलब क्या हो गया फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो ये बन जाएगा प्लस टू माइनस जीरो प्लस टू ठीक है अब थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ मैं ये देखो ए टू वन का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे ये बन जाएगा टू माइनस फोर ठीक है ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन फार्मूला का माइनस भी तो आएगा ना तो इट विल बी टू माइनस फोर इज़ नेगेटिव टू अब सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे वन ये वन बन जाएगा अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे माइनस टू माइनस टू आ जाएगा फिर इसको करेंगे इट विल बी ज़ीरो माइनस माइनस प्लस प्लस सिक्स इसको छोड़ेंगे इट विल बी ज़ीरो माइनस टू माइनस टू ये क्या बन जाएगा थ्री प्लस टू दैट इज फाइव ठीक है और तो फाइनली इसका ट्रांसपोज करना है इट विल बी थ्री वन टू टू वन टू सिक्स टू फाइव ये एड ज्वाइंट ऑफ ए आ गया ठीक है जी Now वी विल फाइंड determinant ऑफ ए ठीक है जी Now वी विल फाइंड determinant ऑफ ए ठीक है जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए ए मैट्रिक्स मैं यहाँ पे रख देता हूँ ये ये है। ठीक है तो determinant फाइंड करना आता है वन तो ये क्या बन जाएगा ये छोड़ दिया हमने इट विल बी थ्री ठीक है फिर माइनस माइनस प्लस प्लस वन तो ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे इट विल बी टू माइनस फोर माइनस टू ठीक है फिर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है लिखना तो लिख लो इट विल बी सिक्स ठीक है तो ये फ़ाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा इसको याद रख लेता हूँ मैं देखो तो ये फाइनली क्या बन जाएगा हमारे पास थ्री माइनस टू प्लस जीरो विच इज़ वन तो ये तो ईजी हो गया तो ए इनवर्स इज इक्व टू एड ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये एडजॉइंट आ गया एडजॉइंट मैं पीछे से देख के लिख लेता हूँ वन टू सिक्स वन वन टू एंड टू टू फाइव ये तुम्हारा फाइनली क्या बन गया ए इनवर्स इसको लिखना है एक लाइन में और लिख लो थ्री टू सिक्स वन वन टू 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 फाइव ठीक है जी तो ये आपका आ गया ए इनवर्स अब बस ठीक है हमें क्या फाइंड करना था ए बी इनवर्स विच इज़ बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स तो बी इनवर्स हमें गिवन है लो बी इनवर्स गिवन है बी इनवर्स क्या था मैं देख के लिख लेता हूँ थ्री माइनस फिफ्टीन फाइव माइनस वन सिक्स माइनस टू वन माइनस फाइव एन टू और ए इनवर्स हमने अभी फाइंड करा है थ्री टू सिक्स वन वन टू 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 फाइव ठीक है अब बस इनको मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई देखो तुमको ये रहा मल्टीप्लाई ठीक है मल्टीप्लाई में क्या करेंगे देखो मल्टीप्लाई करने का एक ईजी मेथड बता दूँ ठीक है कोई बात नहीं दो मिनट ज़्यादा लग जाएंगे वीडियो में ये देखो जैसे ये तुम्हारे पास मैट्रिक्स है ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री फिर ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री ऐसा ही बनेगा ठीक है तो अब देखो इसको ऐसे करता हूँ रुक जाओ नेक्स्ट लाइन में लिख लूँगा ये लो वन वन का अब अच्छा बच्चों को क्या होता है बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि हमने किस रो को किस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है किस कॉलम को किस रो के साथ मल्टीप्लाई करना है ना तो इसका देखो ईजी मैथड बताता हूँ मैं एक ए वन वन ठीक है अच्छा फर्स्ट वाला हमेशा रो बताता है सेकंड वाला कॉलम बताता है जैसे हम इसकी बात करें ये थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है यानी थ्री ही रोज हैं और थ्री ही कॉलम्स हैं ठीक है तो ये रो बताता है ये कॉलम बताता है यानी पहले हमने रो लेनी है फिर हम कॉलम उठाएंगे वन वन का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पीछे भी करा था यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम समझ गए तो ये क्या बन जाएगा थ्री इंटू थ्री यानी कि नाइन प्लस माइनस वन इंटू वन यानी माइनस वन प्लस वन इंटू टू दैट इज़ अब इसी तरह से वन टू का मतलब क्या हुआ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम थ्री इंटू टू दैट इज सिक्स फिर माइनस वन इंटू प्लस वन दैट इज माइनस वन फिर वन इंटू टू दैट इज़ प्लस टू इसी तरह से ए वन थ्री का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम थ्री इंटू सिक्स एटीन माइनस वन इंटू टू माइनस टू वन मल्टीप्लाई फाइव प्लस फाइव ठीक है ऐसे ही सारे करेंगे तो ए टू वन क्या बन गया देखो ए टू वन क्या बन गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम अब थर्ड रो को उठा लो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकेंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम ऐसे करते जाएंगे हम ठीक है तो माइनस फिफ्टीन इंटू थ्री माइनस फोर्टी फाइव सिक्स इंटू वन सिक्स माइनस फाइव इंटू टू माइनस टेन तो माइनस फिफ्टीन इंटू टू माइनस थर्टी सिक्स इंटू वन प्लस सिक्स माइनस फाइव इंटू टू माइनस टेन फिर माइनस फिफ्टीन इंटू सिक्स नाइन्टी सिक्स इंटू टू ट्वेल्व माइनस फाइव इंटू फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव ठीक है थर्ड फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन माइनस टू इंटू वन माइनस टू टू इंटू टू प्लस फोर ठीक है तो फाइव इंटू टू टेन माइनस टू इंटू वन माइनस टू फिर टू इंटू टू प्लस फोर उसी तरह से फाइव इंटू सिक्स थर्टी माइनस टू इंटू टू माइनस फोर टू इंटू फाइव प्लस टेन ठीक है बेटा तो अब ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ठीक है तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ शॉर्ट में ठीक है क्योंकि फिर नहीं तो पेज बार बार अल्टा पल्टी करनी पड़ेगी नाइन प्लस टू इलेवन माइनस वन टेन ठीक है एंड सिक्स ओ टू एट माइनस वन सेवन एटीन माइनस टू सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस फाइव ट्वेंटी वन माइनस फिफ्टी माइनस फोर्टी फाइव ये देख लो सिक्स माइनस टेन हो गया माइनस फोर माइनस फोर्टी फाइव माइनस फोर माइनस फोर्टी नाइन तो uh, ये बन गया सिक्स माइनस टेन माइनस फोर माइनस फोर माइनस थर्टी माइनस थर्टी फोर तो ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी फाइव हो गया माइनस थर्टीन माइनस थर्टीन माइनस नाइन्टीन कितना हो गया माइनस वन जीरो थ्री ठीक है इसी तरह से फिफ्टीन प्लस फोर नाइन्टीन माइनस टू सेवनटीन एंड टेन प्लस फोर फोर्टीन माइनस टू ट्वेल्व ठीक है और थर्टी प्लस टेन फोर्टी माइनस फोर थर्टी सिक्स ये आ गया थर्टी सिक्स तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बी ए बी इनवर्स ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड ठीक है मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है ये तीनों इक्वेशन हैं तीनों इक्वेशन मैंने लिख रखी हैं यहाँ पे चलो इसको मैट्रिक्स मेथड से यानी रो एंड कॉलम ऑपरेशन से करते हैं देखो क्या करते हैं हम इसमें देखो हमारे पास एक हम लिखते हैं मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए क्या होता है बेटा ये कोफिशेंट मैट्रिक्स ठीक है फर्स्ट रो वन फिर टू एंड फिर थ्री उसी तरह सेकंड रो आएगी टू माइनस वन प्लस वन ठीक है फिर थर्ड रो आएगी थ्री टू माइनस टू थ्री टू माइनस टू मतलब हमने क्या करना होता है ये सारे कोफिशेंट्स लिख लेते हैं इस वजह से इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं कोफिशेंट मैट्रिक्स ठीक है जी एंड अनदर मैट्रिक्स क्या होता है बी मैट्रिक्स ठीक है बी मैट्रिक्स क्या होता है ये जो राइट right में सिक्स टू एंड थ्री इसको क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स ठीक है और एक मैट्रिक्स होता है हमारे पास एक्स जिसको हम ये भी कॉलम मैट्रिक्स है ये होता है थ्री क्रॉस थ्री ये बन जाएगा तीन रो एक कॉलम ये भी थ्री रोज एंड वन कॉलम इट विल बी एक्स वाई एंड जेड ठीक है तो ये क्या बन जाता है हमारे पास फिर ए एक्स टू बी कैसे देख लो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ठीक है चलो यहाँ से कर लो ए एक्स इक्व टू बी ठीक है जब तुम इनको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास यही सारी इक्वेशंस बन जाती हैं ठीक है जो गिवन थी यही सारी इक्वेशंस बन जाती हैं ठीक है अब देखो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करो पहले तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा क्वेश्चन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो अभी लास्ट क्वेश्चन में ही करा तो वन टाइम्स ये ये आ जाएगा टू माइनस टू ठीक है फिर माइनस टू टाइम्स जहाँ से मर्ज़ी कर लो यहाँ से कर लेते हैं माइनस टू टाइम्स क्या बन जाएगा माइनस फोर माइनस थ्री दैट इज माइनस सेवन फिर प्लस थ्री टाइम्स ये रो मतलब थ्री जिस रो में आ रहा है जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दो इट विल बी फोर प्लस थ्री दैट इज सेवन ठीक है तो इट विल बी वन मल्टीप्लाई ज़ीरो प्लस फोरटीन प्लस ट्वेंटी वन ठीक है तो ये कितना बन जाएगा थर्टी फाइव विच इज़ नोन जीरो अब देखो थर्टी फाइव आ गया नॉन जीरो है डिटर्मिनट नॉन जीरो का मतलब क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि बेटा ए इनवर्स क्या होता है अभी पीछे ही किया है एड ज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो अगर नीचे ज़ीरो बन गया तो फिर मैट्रिक्स इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए डिटर्मिनट का नॉन जीरो होना ज़रूरी है हमने चेक कर लिया ठीक है तो ये जो हमारे पास था एक्स इक्व टू बी तो दोनों तरफ जब हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है तो एनवर्स इंटू ए क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मल्टीप्लाई एक्स यानी एक्स बन गया ए इनवर्स इंटू बी तो अब हमें ये फ़ाइंड करना है ए इनवर्स फाइंड करेंगे बी से मल्टीप्लाई करेंगे कोरोस्पोंडिंग एंट्री सेम होंगी तभी दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो एक्स मैट्रिक्स क्या था हमारे पास एक्स क्या था एक्स वाई जेड हमारे पास वेरिएबल आ जाएंगे तो हमारा आंसर आ गया ठीक है अब देखो बस ए इनवर्स फाइंड करना है जिसके लिए हमने डिटर्मिनेट फाइंड कर रखा है अब हमने क्या फाइंड करना है एट ऑफ ए ठीक है इसको याद रख लेता हूँ ये देखो एड ज्वाइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे ये पिछली वीडियो में डिस्कस कर ही रखा है हमने तो ऐट जॉइंट ऑफ ए अभी मैं थोड़ा सा ठीक है स्पीड में कर रहा हूँ ठीक है ना तो इट विल बी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस तो प्लस माइनस प्लस ठीक है और उसका कर देंगे ट्रांसपोज ठीक है तो ये हमारे पास बन जाएगा मैट्रिक्स एट जॉइंट ऑफ ए अब देख लो बस ए मैट्रिक्स था ए मैट्रिक्स हम यहाँ से ले लेते हैं ये देखो तो पहले के लिए हमने क्या करना है यहीं से देख लेते हैं ये देखो तो पहले ये रहा हाँ ठीक है ए मैट्रिक्स भी आ गया और ये भी आ गया चलो तो ए मैट्रिक्स के लिए क्या है पहली एंट्री के लिए क्या है पहला रो पहला कॉलम छोड़ा तो ये बन जाएगा प्लस टू और माइनस टू विच इज़ ज़ीरो ठीक है फिर इस एंट्री के लिए ठीक है मतलब आपने ये देखना जो एंट्री फाइंड करनी ना वो वाली एंट्री का रो और कॉलम छोड़ दो बस बाकी डिटर्मिनेट तो ये बन जाएगा माइनस फोर माइनस सी दैट इज़ माइनस सेवन फिर ये एंट्री चाहिए यानी कि ये रो और ये कॉलम छोड़ दो फोर प्लस थ्री दैट इज सेवन ये सेवन आ गया अब ये एंट्री चाहिए मतलब ये रो और ये कॉलम छोड़ दो इट विल बी माइनस फो माइनस फोर माइनस सिक्स दैट इज़ माइनस टेन ठीक है जी और अब ये एंट्री चाहिए तो मतलब ये रो और कॉलम छोड़ दो इट विल बी माइनस टू माइनस नाइन दैट इज माइनस इलेवन ठीक है और ये क्या बन जाएगा ये रो ये कॉलम छोड़ा इट विल बी टू माइनस सिक्स दैट इज़ माइनस फोर ठीक है उसी तरह से इस एंट्री के लिए क्या करना है तुमने इस एंट्री के लिए ये रो और कॉलम छोड़ दो इसको छोड़ा इट विल बी टू प्लस थ्री दैट इज फाइव इसके लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे इट विल बी वन माइनस सिक्स दैट इज नेगेटिव फाइव और इस एंट्री के लिए क्या करेंगे ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे इट विल बी माइनस वन माइनस फोर दैट इज माइनस फाइव ठीक है जी और अब इसका करना है ट्रांसपोज इट विल बी ज़ीरो सेवन सेवन टेन माइनस इलेवन फोर फाइव फाइव एंड माइनस फाइव ठीक है तो हमारा एक्स क्या बन जाएगा ए इनवर्स बी दैट इज़ ए मैट्रिक्स पुट कर दो जीरो सेवन सेवन टेन माइनस इलेवन सॉरी ये एड ज्वाइंट ऑफ चलो ठीक है कोई बात नहीं सीधा भी कर सकते हैं फाइव फाइव माइनस फाइव इन बी मैट्रिक्स बी क्या कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स सिक्स टू एंड थ्री हम डिटर्मिनेंट को भूल गए तो ये रहा डिटर्मिनेंट थर्टी फाइव था ठीक है चलो अब सोल्व करो हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है अब सोल्व करना तुमको पता है ये क्या थ्री है थ्री क्रॉस थ्री का ये थ्री क्रॉस वन का तो कॉमन पोर्शन कट गया जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा थ्री क्रॉस वन का तो ये बन गया ज़ीरो टेन इंटू टू ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन ठीक है ये बन जाएगा थ्री क्रॉस वन फिर ये बन जाएगा फोर्टी टू इट विल बी माइनस ट्वेंटी टू इट विल बी फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन सिमिलरली फोर्टी टू प्लस एट माइनस थ्री ठीक है तो ये क्या बन गया हमारे पास एक्स आ जाएगा बेटा वन अपॉइन्ट थर्टी फाइव तो ये क्या बन गया हमारे पास ये थर्टी फाइव आ गया ये बन जाएगा फोर्टी टू माइनस ट्वेंटी टू ट्वेंटी आ गया ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन थर्टी फाइव ये क्या बन गया एट माइनस थ्री फाइव एट माइनस थ्री फाइव देखो इसमें क्या बनेगा देखो देखो यहाँ पे हमने गलती कर दी फाइव फाइव माइनस फाइव है ना ये माइनस फाइव है ठीक है तो इट विल बी माइनस फिफ्टीन तो ये बन जाएगा माइनस फिफ्टीन ठीक है तो फोर्टी टू प्लस एट हो गया फिफ्टी फिफ्टी माइनस फिफ्टीन हो गया थर्टी फाइव तो ये बाहर वाला स्केलर अंदर सबके साथ डिवाइड होगा तो ये बन गया वन 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 ठीक है जी और ओरिजिनली जो हमारा एक्स मैट्रिक्स था दैट वाज एक्स वाई जेड ठीक है तो ये किसके इक्वल आ गया बेटा वन 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 के ठीक है तो तुमको पता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं जब उनके कोरोस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि x इक्व टू वाई इक्व टू जेड इक्व टू वन सबकी वैल्यू क्या आई है वन तो ये था हमारी तीनों इक्वेशंस का सोल्यूशन अगर वेरीफाई करना है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया अगर वेरीफाई करना है तो कर सकते हो एक्स वाई जेड वन है सबको वन पुट करके देख लो ठीक है तो ये देखो क्या बन जाएगा वन वन पुट करना ना तो वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स ठीक है टू माइनस वन 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 प्लस वन टू ये भी सेटिस्फाई थ्री प्लस टू फाइव फाइव माइनस टू थ्री ये भी सेटिस्फाई तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगी इट मीन्स ये जो हमारा आंसर है बिल्कुल ठीक है ओके okay, स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सेक्शन ई e के साथ टिल देन गुड बाय